अरे दर्शकों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, मारुति सुजुकी की घटती बाजार हिस्सेदारी के पीछे के कारण। मारुति सुजुकी भारत में अग्रणी ऑटोमोबाइल निर्माताओं में से एक है। इसके बाजार की गतिशीलता में बदलाव, तो आइए मारुति सुजुकी की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट में योगदान देने वाले कारकों पर गौर करें और पता लगाएं। 1. ऑटोमोबाइल उद्योग में बढ़ती प्रतिस्पर्धा। मारुति सुजुकी की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट का एक प्राथमिक कारण ऑटोमोबाइल उद्योग में बढ़ती प्रतिस्पर्धा है। कई नए खिलाड़ियों ने प्रतिस्पर्धी उत्पादों के साथ बाजार में प्रवेश किया है, जो आकर्षक विशेषताएं, डिजाइन और मूल्य निर्धारण की पेशकश कर रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिले हैं और वृद्धि हुई है। मारुति सुजुकी के लिए प्रतिस्पर्धा। 2. उपभोक्ता प्राथमिकताएं विकसित करना। उपभोक्ता प्राथमिकताओं और रुझानों ने भी मारुति सुजुकी की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बदलते समय के साथ उपभोक्ता अपने वाहनों में अधिक प्रीमियम फीचर्स, उन्नत तकनीक और स्टाइलिश डिजाइन की तलाश कर रहे हैं। मारुति सुजुकी ऐतिहासिक रूप से अपने बजट अनुकूल के लिए जानी जाती है और ईंधन कुशल कारों को उपभोक्ताओं की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 3. वैश्विक ऑटो निर्माताओं का प्रवेश। भारतीय बाजार में वैश्विक ऑटोमोबाइल निर्माताओं के प्रवेश ने मारुति सुजुकी की बाजार हिस्सेदारी को भी प्रभावित किया है। ये कंपनियां अपनी विशेषज्ञता, उन्नत तकनीक और विविध उत्पाद पोर्टफोलियो लाती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को चुनने के लिए अधिक विकल्प मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों की उपलब्धता के साथ ग्राहक मारुति सुजुकी के विकल्प तलाश रहे हैं। 4. इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी का प्रभाव। इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की बढ़ती लोकप्रियता और अपनाने से मारुति सुजुकी की बाजार हिस्सेदारी पर भी असर पड़ा है। जैसे जैसे पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ परिवहन की मांग बढ़ रही है, उपभोक्ता तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों पर विचार कर रहे हैं। ईवी सेगमेंट में मारुति सुजुकी की सीमित उपस्थिति के कारण एक अवसर छूट गया, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रिक वाहनों में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनियों को बाजार हिस्सेदारी का नुकसान हुआ। 5. उत्पाद पोर्टफोलियो और ब्रांड धारणा। मारुति सुजुकी के उत्पाद पोर्टफोलियो और ब्रांड धारणा ने इसकी बाजार हिस्सेदारी में गिरावट को भी प्रभावित किया है। हालांकि कंपनी की एंट्री लेवल और मिड रेंज सेगमेंट में मजबूत उपस्थिति है, लेकिन इसे प्रीमियम सेगमेंट में अपनी पेशकशों का विस्तार करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त धारणाएं एक बजट अनुकूल ब्रांड के रूप में मारुति सुजुकी ने उच्च स्तरीय और लग्जरी कार निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की इसकी क्षमता में बाधा उत्पन्न की है। 6. चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों को संबोधित करना। इन चुनौतियों के जवाब में मारुति सुजुकी अपनी बाजार हिस्सेदारी फिर से हासिल करने के लिए रणनीतियों को लागू कर रही है। कंपनी ने व्यापक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए अद्यतन सुविधाओं और डिजाइन के साथ नए मॉडल पेश किए हैं। यह अपने इलेक्ट्रिक वाहन की पेशकश को मजबूत करने और इसके विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रीमियम सेगमेंट में उपस्थिति। इन प्रयासों के माध्यम से मारुति सुजुकी का लक्ष्य बदलते बाजार की गतिशीलता को अनुकूलित करना और अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करना है। वहाँ आपके पास है दोस्तों, बाजार हिस्सेदारी में मारुति सुजुकी की गिरावट के पीछे के कारक: बढ़ती प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ताओं की बढ़ती प्राथमिकताएं, वैश्विक ऑटो निर्माताओं का प्रवेश, इलेक्ट्रिक वाहनों का उदय और उत्पाद पोर्टफोलियो के विस्तार में चुनौतियों ने मारुति में योगदान दिया है। सुजुकी की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। हालांकि रणनीतिक उपायों और इन चुनौतियों से निपटने पर ध्यान देने के साथ मारुति सुजुकी का लक्ष्य वापसी करना और अपनी प्रमुखता हासिल करना है। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक व्यावहारिक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लेना सुनिश्चित करें। अगली बार तक सुरक्षित ड्राइव करें और जिज्ञासु बने रहें।